अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आईटी अपडेट्स में मैं हूं मुइना शाह। आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव। सबसे पहले हेडलाइंस। क्वालकॉम ने रिवील किया LTE मॉडेम विद 1 GBPS डाउनलोड स्पीड। PCB की तरफ से PSL मैच देखने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का आगाज। वर्ल्ड रेमिट और जेएस कैश की पार्टनरशिप। PTCL के एम्प्लॉइज अब देखेंगे दुबई में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच। कैरियर एक्सपो 2017 के मौके पे बहरिया यूनिवर्सिटी में यूफोन की पार्टिसिपेशन। अपने 3G सिम को 4G पर अपग्रेड करें और पाएं जोंग की तरफ से 1 GB फ्री डाटा। डिटेल्स की तरफ चलते हैं। क्वालकॉम की तरफ से LTE मॉडेम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसकी स्पीड 1 GBPS होगी और ये क्वालकॉम की सेकेंड प्रोडक्ट होगी और इस मॉडेम को स्नैपड्रैगन X20 के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X20 LTE का 7 प्रोडक्ट होगा जो कि LTE को सपोर्ट करेगा। ये मॉडेम फिलहाल सैंपल के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये सुना गया है कि 2018 के मिड तक इसको हैंडसेट्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली क्वालकॉम की तरफ से 2 चिपसेट्स भी अनाउंस की गई हैं जो कि वाईफाई को सपोर्ट करेगा 802.11ax और इसके साथ क्वालकॉम की तरफ से क्विक चार्ज भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्विक चार्ज 4.0। इस क्विक चार्ज के जरिए आप अपने डिवाइस को 5 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 5 घंटे के इस्तेमाल के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट में आपका डिवाइस चार्ज करके देगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी जरूर देना चाहूंगी कि क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 830 को स्किप किया गया था और 835 इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये कहा गया था कि 835 बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि जो 821 है उससे कहीं ज्यादा तेज 835 है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि PCB की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि अब वो तमाम ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं जो कि PSL के मैचेस स्टार्ट हुए हैं उसका फाइनल देखने के लिए जो कि लाहौर में किया जाएगा। उसके लिए अगर ऑनलाइन टिकट आप खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन टिकट 4 to 5 days के अंदर अंदर ले सकते हैं और जिसकी प्राइस होगी, जो टिकट्स आप खरीदेंगे इसकी जो प्राइस रेंज होगी वो 500 से 12,000 तक होगी। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो यकीनन ऑनलाइन टिकट ज़रूर खरीदेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चाहूँ कि पाकिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज्म के वाकयात पेश आ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि लाहौर में PSL का जो फाइनल है वो नहीं होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। PCB की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि लाहौर में ही फाइनल खेला जाएगा और इन अटैक्स की वजह से कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का ये भी कहना था कि हम लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे ये मैच के लिए, लेकिन PCB की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं भी आना चाहेंगे फिर भी लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास वर्ल्ड रेमिट और जैस कैश की पार्टनरशिप है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैस कैश बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को और वर्ल्ड रेमिट जो है वो भी मनी ट्रांसफ़र सर्विस है जो कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और जैस कैश और वर्ल्ड रेमिट के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है इसके ज़रिए आप कस्टमर्स इंटरनेशनल भी अपना मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब आप स्मार्टफोन के ज़रिए और मोबाइल मनी अकाउंट के ज़रिए इंटरनेशनली भी मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक अच्छा मेथड है, अगर पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म आएँ तो जो लोग एब्रॉड रहते हैं उनको मनी ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि PTCL और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पार्टनरशिप हुई है और अब PTCL ने अपने 40 एम्प्लॉयज़ को दुबई ले जाने का फैसला किया है ताकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच होने वाला है वो वहाँ पर जाके देख सकें। ये मैच 26 फरवरी को खेला जाएगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लकी ड्रॉ के जरिए सेलेक्ट हुए हैं। आप दुआ करें कि ये मैच बहुत अच्छा खेला जाए क्योंकि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के वाकयात पेश आ रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। सो व्यूअर्स, लेट्स प्रे फॉर द सेफ फाइनल ऑफ PSL। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। यूफोन की तरफ से बहरिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन की गई थी और कैरियर एक्सपो का आगाज़ किया गया था। ये हर साल मुनक्किद किया जाता है, इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल होते हैं और यूफोन की पार्टिसिपेशन का पर्पज़ ये था कि वो यंग टैलेंट को पिक कर सकें क्योंकि इस तरह के एक्सपोज में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसके साथ साथ यंग टैलेंट भी बहुत ज़्यादा शामिल होता है और यूफोन की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो यंग टैलेंट को पिक करें, टारगेट करें, क्योंकि इस तरह के कैरियर एक्सपो में बहुत ज़्यादा मौके फराहम किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स उनको अवेल कर सके। इसके साथ साथ यूफोन की ये भी कोशिश होती है कि उन तमाम यंग टैलेंट को पॉलिश किया जाए, उनकी एबिलिटीज़ को निखारा जाए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जोंग यूज़र्स के लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि जोंग अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छी ऑफर लेकर आया है। जोंग कस्टमर अगर 3G सिम यूज़ करते हैं और अगर वो अपनी 3G सिम को 4G में अपग्रेड करना चाहते हैं और अगर वो कर भी लेते हैं तो उनको 1 GB फ्री डाटा मिलेगा। अगर आप अपनी सिम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो करीबी फ्रेंचाइज पर जाइए, वहाँ भी आपकी सिम अपग्रेड हो सकती है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं तो आपकी सिम अपग्रेड हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मज़ीद डिटेल्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाके तमाम डिटेल्स चेक करनी पड़ेंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।